मेरा वीडियो एडिटिंग हो चुका है, मैंने सेव कर लिया है एंड डन, सारी चीजें डन हो चुकी हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्लॉग, और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं एक और ब्लॉग शूट करूँ, और फाइनली वो दिन आ चुका है। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 6, और आप सोच रहे होंगे कि ये लड़की इतना जल्दी उठती है, बट सॉरी मैं इतना जल्दी कभी नहीं उठती। बट जब से मैंने योगा ज्वाइन किया है तो तब से मुझे 5:20 तक उठ ही जाना रहता है, क्योंकि उठो मतलब उठने में 5 मिनट लग जाते हैं मुझे। हाँ, उठते हैं उस चक्कर में, फिर सुबह ही उठ के सारी बहुत सारी चीज़ें रहती है, रेडी हो वो ये भी हो वो भी हो। एग्जैक्ट 6 बजे मैं क्लास ज्वाइन करती हूँ, एंड आप सोच रहे होंगे कैसे मैं ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करती हूँ, क्योंकि अभी कोविड चल रहा है सो हम लोग नीचे नहीं जा सकते। वो चीज़ भी अच्छी है कि हाँ ठीक है, क्योंकि इतनी सारी लेडीज़ मिलेगी तो कुछ भी हो सकता है, छोड़ कुछ ना हो। तो मैं लैपटॉप से ज्वाइन करूँगी, लेकिन इट्स गुड, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। यूजली मैं कभी भी इतना अर्ली नहीं उठती, इट्स सो अर्ली, मेरे लिए तो काफ़ी अर्ली, बस 6 बजे 5:30 बजे तक प्रॉपर रेडी होकर बैठना है वो। ऐसे में बोल अच्छा लग रहा है, मैं ज्वाइन करके मतलब इतना बुरा भी नहीं लग रहा है ऐसे। और मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी जो मेरी रूटीन में होती है। सो आज मैं इस ब्लॉग में दिन भर की चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो कीप वॉचिंग, एंड अभी मैं बिछाऊंगी अपने मैट और मैं यहाँ पे पी रही हूँ अपना हॉट वाटर बेरिस। एंड गुड मॉर्निंग, बिग ग्लास है तो ये मुझे ख़त्म करते करते 20-25 मिनट आराम से हो जाती है। सो मैं फटाफट अपने मैट बिछा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपको। सो ऑलमोस्ट 6 बजे वाले हैं, तो मुझे फटाफट ड्राइंग करना है एंड स्टार्ट माय लैपटॉप। बता रही थी कि मेरी 6 बजे क्लास है, बट 6 बजे वाली क्लास में किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया, तो अभी मैं 7 o'clock वाली क्लास ज्वाइन करूँगी, क्योंकि अभी उठ ही गई हूँ तो कर ही लेती हूँ एटलीस्ट, क्योंकि 6 बजे वाली क्लास में किसी ने ज्वाइन नहीं किया। हम कब से वेट कर रहे थे, आई थिंक मैं 6:30 तक वेट कर रहे थे हम लोग, बट कोई भी नहीं आया। तो फाइनली हम लोगों ने सोचा है कि हम 7 वाली क्लास ज्वाइन करेंगे, और जो हमारा योगा है हम उसमें कर लेंगे, कोई ना ऐसे भी ऑनलाइन ही करना है ऐसे नहीं तो ऐसे। और उसके बाद ब्रेकफास्ट ये वो काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, एंड मुझे पता नहीं आज फेस पे कुछ तो हुआ है, आई थिंक मुझे मॉस्किटो ने बाइट किया है या कुछ और हुआ है, देखना पड़ेगा। मैंने सुबह नोटिस किया था जब मैं वीडियो शूट मतलब शूट कर रही थी तब, बट मैंने इतना गौर से नहीं किया था, बट ठीक है ये चला जाए। सो मैं आपको मिलती हूँ 7 बजे। इट्स ऑलमोस्ट 7 बज गए हैं, एंड फिंगर क्रॉस की ये वाली क्लास में सब लोग ज्वाइन करें तो ज़्यादा मज़ा आएगा, एंड फटाफट से ज्वाइन करती हूँ ऐसा ना कि मैं ही लेट हो गई। क्लास डन, और बहुत ही अच्छे से हो गया। मुझे लगा था कि इसमें भी लोग नहीं आएंगे तो आज का तो दिन वेस्ट गया, बट नहीं, इसमें काफ़ी लोग थे, एंड हमारी फर्स्ट बैच रहती है 6 to 7, बट उसमें कोई भी नहीं आया था आज, पता नहीं क्यों। लेट्स सी कल सब लोग आए। और जिस दिन मैं योगा करती हूँ उस दिन मुझे काफ़ी भूख लगती है, पता नहीं क्यों, जब मैं कर रही थी ना
सूर्य नमस्कार तभी मुझे लग रहा था कि यार कुछ खा लेना चाहिए। सो आई एम हंग्री और अभी मैं कुछ बनाने जा रही हूँ, पोहे या ढोकले कुछ बनाऊंगी। लेट्स सी दोनों में से जो इजी होगा मैं वही बनाऊंगी ब्रेकफास्ट के लिए, एंड मैं आपके साथ ब्रेकफास्ट बनाते बनाते बात करूंगी। तो मैं किचन में आ चुकी हूँ, तो पहले मैं सारी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपको। तो गाइस फाइनली मेरी चॉपिंग हो चुकी है, पोहे बनाने हैं मुझे, एंड अभी टाइम हो रहा है आई थिंक 8:30, आई एम नॉट रॉन्ग 8:30 ही हो रहे हैं ना, 8:30 हो रहे हैं। एंड मैंने अपनी टी शर्ट भी चेंज कर दी क्योंकि वो टी शर्ट में मुझे काफ़ी गर्मी हो रही थी, थोड़ी टाइट टी शर्ट थी वो, तो ये थोड़ी लूज है तो मुझे अच्छा लग रहा है फिलहाल। सो फटाफट पोहे बनाते हैं। लिटिल बिट चाय क्योंकि पोहे खाऊंगी तो थोड़ा अजीब सा टेस्ट आ रहा, तो टेस्ट को मेंटेन करने के लिए आप मैंने मस्त अदरक वाली चाय बनाई है। और आज तो मुझे काफ़ी सारे काम हैं, ब्लॉग शूट कर रही हूँ, सेकंड मुझे एक और वीडियो भी शूट करना है साथ साथ में, बहुत सारे काम है। तो फटाफट मैं अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करती हूँ, ऑलरेडी 9 बज गए हैं, मैं काफ़ी लेट चल रही हूँ फिलहाल आज। सो मैं फटाफट अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लेती हूँ। मैं टेस्ट करके बताऊँ कैसे बने। नाइस, अच्छा बने, मैंने बहुत हरी हरी में बनाया, जल्दी जल्दी में बनाया, बहुत ब्रेकफास्ट इज ओवर। पोहे बहुत ही अच्छे बने थे, मतलब फर्स्ट टाइम इतने अच्छे बने थे। मोस्टली मैं जब भी बनाती हूँ ना तब वो ऑयल रह जाता है प्लेट में, बट दैट टाइम सी माई प्लेट बिल्कुल भी ऑयल नहीं था, मतलब सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट थी और टेस्ट में वाह यम, बहुत ही अच्छे बने थे सच में। मतलब मुझे भी ऐसा फील हुआ कि यार फाइनली मुझे पोहे बनाना आ गया। ऐसे यूजली मैं बहुत सारी चीज़ें बना लेती हूँ बट मुझे पोहे बनाना नहीं आते, ऐसे लोग बोलते हैं मुझे, बट आज मुझे पोहे बनाना आ गए, आई एम हैप्पी। और सीरियसली बहुत ही अच्छे बनाते हैं, मैं खुद की तारीफ, मतलब खुद की तारीफ खुद ही करे जा रही हूँ, दैट्स फाइन, कोई ना करे तो खुद ही कर लिया करो, ऐसी वाली चीज़ हो गई। बस मैंने सोचा है कि मैं पहले अपना लंच बना लेती हूँ, उसके बाद बाकी चीज़ें करती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे सैलेड बनाना है, सूप बनाना है और किनवा भी बनाना है, किनवा मेरे लिए बनाऊंगी मैं, तो बनाऊंगी उसके बाद बाकी चीज़ें करती हूँ, क्योंकि वीडियो शूट करना है तो मुझे उसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा, मतलब 2-3 आवर्स तो मुझे लग ही जाते हैं, मतलब एक वीडियो शूट करने के, क्योंकि मैं उसी टाइम पे एडिटिंग करने भी लग जाती हूँ कभी कभी, तो मुझे काफ़ी टाइम लगता है। तो मैंने सोचा कि पहले लंच बना के रख देती हूँ, सो ऐसा लगे कि आई एम हंग्री तो मैं तुरंत खा सकती हूँ यार, कि फिर जब भी भूख लगेगी तब बनाने जाऊँगी तो भूख भी मर जाएगी मेरी। सो उस चक्कर में मैं पहले अपना लंच बनाऊँगी, उसके बाद बाकी चीज़ें करूँगी। वीडियो शूट तो करना ही करना है आज मुझे, बट पहले खाना उसके बाद वीडियो। और एक और चीज़, मैंने अमेज़ोन से बेड बुक करवाया है, और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मुझे बेड लेना है बट मुझे कोई अच्छा लग ही नहीं रहा था, और फाइनली इट्स वेरी वेरी गुड। आई थिंक आपको ये वाले ब्लॉग में नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ब्लॉग में वो बेड दिखने मिलेगा, एंड उसके साथ मैंने साइड टेबल भी बुक करवाए, वो मैंने करवाए आइकिया से, आई थिंक वो 1-2 दिन में आ जाएंगे, और मैं बोल रही थी मुझे डस्टिंग करनी है बट मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि डस्टिंग करना पड़े, और यहाँ पर मेड अलाउ नहीं है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि कोविड के चक्कर में सारी चीज़ें खराब हो चुकी है, बच्चे बोलो सारे काम खुद से करने पड़ते हैं यहाँ पर। सो वही, सो पहले मैं लंच बनाती हूँ, सो हम लंच बनाएंगे उसके बाद बाकी चीज़ें करेंगे। और मैं शूट कर रही हूँ अपने फ़ोन से क्योंकि मेरा कैमरा ऑन भी हो रहा है, पता नहीं उसको क्या हो गया है, कुछ तो हो गया है उसके बाद। सो मैं बना रही हूँ फर्स्ट किनवा, और आपने कभी सुना होगा या सुना ना भी होगा तो मैं आपको दिखाती हूँ किनवा कैसे होता है। सो ये कुछ इस तरह से पैकेट है, और ये मैंने मंगवाया था बिग बास्केट से, और
छोटे छोटे से दाने हैं सी, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है खाने में, इसमें फाइबर प्रोटीन काफ़ी काफ़ी बेटर रहता है। सो जिनको राइस खाना ज़्यादा पसंद है तो आप राइस अवॉइड करके ये चीज़ खा सकते हो, ये काफ़ी अच्छी और हेल्दी चीज़ है, सो आई लाइक इट। और बहुत ही ईजी इसको बनाना, मतलब इतना हैवी नहीं है, मीन्स इसका जैसा नाम है तो इतना हैवी नहीं है, जस्ट नॉर्मल आप राइस कुक करते हो वैसे ही इसको कुक करना है और कुछ नहीं, सॉल्ट डाल के कुक कर लो, दैट्स इट, बहुत इजी। मैं इसको पास से दिखाती हूँ तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल चीज़ है क्या वो। ऐसे कुछ इस तरह से आपको दाने दिखेंगे और ये किनवा है सी, काफ़ी हेल्दी रहते हैं, इसमें फाइबर प्रोटीन काफ़ी अच्छी तरह से रहते हैं, तो ये खाना चाहिए। और मैं जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ऑप्शन नहीं मिलता तो मैं यही बना के खा लेती हूँ। फर्स्ट हमें इसको अच्छे से वॉश करना है, उसके बाद हम इसको बॉइल करेंगे। तो सैलेड बनाने के लिए कीवी, एप्पल, बीटरूट, ग्रेप्स और आइसबर्ग। सो सारी चीज़ों को मैं अच्छे से फाइन से चॉप कर दूँगी, बट मैं चॉपिंग में बहुत ज़्यादा कच्ची हूँ, मुझे इतनी अच्छी चॉपिंग नहीं आती, सो प्लीज़ मेरी चॉपिंग पे नोटिस मत करना मुझे कि इतनी बड़ी हो गई उसको चॉपिंग में नहीं आती, बट आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो मैं अच्छे से करूँगी, अच्छे से हो जाए मेरे से। सो लेट्स स्टार्ट चॉपिंग। सडनली डे टू कैसे आ गया, क्योंकि कल मैं बाहर चली गई थी एंड मुझे ब्लॉग भी शूट करना था, बट वो माइंड से ही निकल गया था कि मैं ब्लॉग शूट कर रही थी, एंड सडनली जब मैं घर आई तो काफ़ी लेट हो चुका था, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार कल ही कंप्लीट करूँगी, आज तो पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़, सो फाइनली मैं आज इस ब्लॉग को एंड करूँगी, टचवुड फाइनली एंड करूँगी, क्योंकि काफ़ी हो गया यार, कल से कर रही हूँ बट कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। तो आज मैं करने वाली हूँ एडिटिंग और मैं बताऊँगी मैं कैसे एडिटिंग करती हूँ, मीन्स दिखाऊँगी, बताऊँगी क्या, दिखाऊँगी आपको कि मैं एडिटिंग कैसे करती हूँ। और हमारे ऊपर कुछ तो काम चल रहा है तो वियर सी आवाज़ आएगी, बहुत ही गंदी सी आवाज़ आती है ना सच्ची में, तो काफ़ी गंदी सी आवाज़ है शूं करके, सो उसके लिए सॉरी। एंड अभी यहाँ पर इतनी अच्छी लाइट नहीं आ रही है सी, बट इट्स फाइन, अभी क्या कर सकते हैं। एंड अभी मैं लंच करने के बाद वीडियो शूट करूँ, सॉरी वीडियो क्या, वीडियो एडिटिंग करूँ या लंच के पहले, सॉरी मैं पहले ही कर लेती हूँ क्योंकि लंच मैं शांति से कर सकती हूँ। सो मैं आपको दिखाती हूँ मैं एडिटिंग कैसे करती हूँ, प्रोसेस ये दिखाती हूँ आपको कि जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तब से मैंने कितने वीडियो बनाए हैं। तो कहाँ है मेरी फाइल, ओह माय गॉड, सो टोटल है वीडियो 76 वीडियो बनाए हैं मैंने, एंड आई शो यहाँ पे है ये लास्ट वाला 76, यस। सो आज मैं इसको एडिटिंग करूँगी फाइनली। गाइस एक चीज़ बताऊँ मैं, मुझे बिल्कुल भी मन नहीं है एडिटिंग करने का, क्योंकि कल मैंने एक वीडियो एडिटिंग किया उसके बाद मेरी आंखें मतलब मीन्स जल रही थी, मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था कि किसी ने कुछ रख दिया है,
सो अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा रिलैक्स करती हूँ, चिल करती हूँ. उसके लिए मैंने खा रही हूँ, मैं खा रही हूँ वाटरमेलन. करी लेती हूँ यार, फिर करना तो मुझे ही है. ऐसे यूजुअली मैं करवाती हूँ मेरी फ्रेंड के पास, बट वो अभी अवेलेबल नहीं है तो मुझे एडिटिंग करना पड़ेगा. यार तू जल्दी से आ जा यार, ये एडिटिंग नहीं होता. मुझे वीडियो शूट कर लेती हूँ मैं इजीली, बट एडिटिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है. मीन्स काफ़ी. लेट्स सी, आज करके देखते हैं. मैंने कल भी किया था ऐसे तो, बट कल वाला काफ़ी टफ वीडियो था. मीन्स मैंने एडिटिंग किया, मुझे 2 घंटे लग गए थे एक वीडियो एडिटिंग करने में, और आई थिंक इसमें तो मुझे और टाइम लगेगा. लेट्स सी, फटाफट हो जाए, देखते हैं. ये टी शर्ट है ना, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी, बट इसका फैब्रिक सुपर है, काफ़ी अच्छा फैब्रिक है, कॉटन बेस्ड है और समर के लिए परफेक्ट है. सो आप इस टी शर्ट को ट्राई कर सकते हो, कलर भी काफ़ी अच्छा है. मुझे कलर देख के मैंने पिक किया था कि हाँ भाई मुझे ये कलर चाहिए. सो कंफर्टेबल है, डेली वेयर में पहनने के लिए काफ़ी अच्छी लगी मुझे ये. सो मैं सोच रही हूँ कि मैं और भी ऐसे टी शर्ट मंगवाऊंगी. लेट्स सी क्या होता है. गाइस, मेरा वीडियो एडिटिंग हो चुका है. नहीं करना है, उस चक्कर में मैंने वीडियो एडिटिंग कर ही डाला फाइनली, बट इसमें सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक डालनी है मुझे, एंड ओवरऑल इट्स डन. फाइनली मेरा वीडियो एडिटिंग हो चुका है, मैंने सेव कर लिया है एंड डन, सारी चीज़ें डन हो चुकी हैं. बट अभी मेरा लंच ख़त्म नहीं हुआ है तो मुझे लंच करना है. बट उससे पहले मैं कुछ दिखाती हूँ आपको. मैंने अभी कल या परसों ही बहुत सारे प्लांट्स खरीदे हैं, तो आई शो यू गाइस कि मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स लाए हूँ. सो पता नहीं कब तक ग्रो होंगे, बट ये काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ है. ये मैंने नहीं लिया था, बाकी सारी चीज़ें मैंने लेके आई, ये वाला ये तुलसी लेके आई हूँ, फिर ये स्नेक्स प्लांट लेके आई थी मैं. मुझे और भी प्लांट्स लाने हैं, बट लेट्स सी कब लाती हूँ. बट ये काफ़ी अच्छा हुआ है एलोवेरा. फाइनली हम लोग लंच करने बैठे हैं अभी, और मेरी दाल गर्म हो रही थी सामने, बट उसके अंदर मैं कोरिएंडर डालना भूल गई हूँ, तो फटाफट से मैं कोरिएंडर डालती हूँ, क्योंकि मुझे दही के बिना दाल खाना मज़ा नहीं आता है. और तो मैंने लंच कंप्लीट कर लिया मेरा, एंड मुझे काफ़ी भूख लगी थी. जब मैं एडिटिंग करी थी ना, तभी मेरे पेट में से कुछ आवाज़ आ रही थी गुड़ गुड़ करके, मैंने सोचा आप खा लेना चाहिए. सो अभी मैं कर रही हूँ अपना वार्डरोब ठीक, क्योंकि उसमें इतना मेस पड़ा है, माय गॉड. सारे कपड़े मैंने ऐसे डाले, ऐसे काइंड ऑफ, उसको ना फोल्ड किया है ना कुछ भी नहीं. तो मैं सोच रही हूँ सारे कपड़े फोल्ड कर दूँ, अच्छे से रख दूँ, आयरन करके रखूँ, ऐसे भी सोच रही हूँ. क्योंकि कुछ इंडियंस वेयर है वो ऐसे के वैसे डाल के रखे मैंने, काफ़ी क्रीज आ चुके होंगे, तो मैं सोचूँ आयरन भी कर दूँ साथ साथ में, और अच्छे से वाइंड अप करके सारी चीज़ें डाल देती हूँ. और अभी समर है तो समर के हिसाब से कपड़े भी निकालने हैं मुझे, सो वही करूँगी अभी मैं. Thank you.
चुका है, सारी चीजें खत्म हो चुकी है फाइनली, अभी कुछ भी नहीं बचा है। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वन।